फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नींबू का शरबत। नींबू का नाम सुनते ही एक अलग सी ही ताजगी का एहसास होने लगता है, और वैसे भी नींबू में तो गुणों का भंडार होता है। यह रुचिवर्धक होता है, ये भूख को बढ़ाता है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़्यादा खाना खाने की वजह से अनइजीनेस होती है, तो उस सिचुएशन में नींबू खाने से हमें आराम मिल जाता है। दूसरा, नींबू के अंदर चिकनाई को ख़त्म करने का गुण होता है। यदि हमने बहुत फैटी फूड ले लिया है तो उसे डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर साथ में हमने नींबू लिया है तो हमारा खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। नींबू हमारे लीवर और पैनक्रियास को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अभी इस कोरोना पीरियड के लिए बेहद ज़रूरी है, वो है हमारी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना। तो ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी क्वालिटीज़ वाले नींबू को हम आज शरबत के फॉर्म में प्रिजर्व करेंगे। चलिए चलते हैं और बनाते हैं नींबू का शरबत। और कैसे हैं मेरे फूडीज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चेतना सास बहू कुकिंग क्लासेस। तो आइए बनाने, खाने और खिलाने का सिलसिला शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे नींबू का शरबत। अभी नींबू बहुत अच्छे आ रहे हैं और इस कोरोना काल के अंदर नींबू लेना बहुत ही अच्छा रहता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसमें विटामिन सी होता है, तो हम किसी न किसी फॉर्म में नींबू को लेते रहें। तो इसके लिए मैंने ये 200 ml अभी ताज़ा निकाला हुआ नींबू का रस लिया है और गैस को ऑन कर दिया हमने, और इसमें मैं 1 kg शक्कर डालूंगी। 1:5 के रेशियो में चीनी डाली है और इसको रस के साथ में चीनी को अच्छे से पकाते हैं हम। नींबू सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, किसी न किसी फॉर्म में नींबू को हमें लेते रहना चाहिए। ये शरबत साल भर खराब नहीं होगा, साल भर तक हम इसका आराम से मजा ले सकते हैं। चीनी हमारी पिघलना स्टार्ट हो गई है, इसको हमें कंटिन्यूस हिलाना पड़ेगा। हम यहाँ पे पानी नहीं मिलाएंगे। नींबू जो होता है वो चीनी के क्रिस्टलाइजेशन को रोकता है। मिठाई वगैरह में हम चाशनी बनाते हैं तो नींबू की ड्रॉप्स डालते हैं, तो यहाँ शक्कर के साथ पूरा नींबू का रस ही है। चीनी खुद एक अच्छा प्रिजर्वेटिव है, आप देख रहे हैं चीनी काफ़ी हद तक पिघल गई है। मुझे इसको हिलाते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। ये इस तरह से चाशनी के साथ में जो पका हुआ नींबू का शरबत है, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसका हमें फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, कई सालों तक ख़राब नहीं होता है ये शरबत। अब ये चाशनी थोड़ी थोड़ी हल्की होने लग गई है, आप देख रहे हैं इसमें बॉईल आ गया। अच्छा, जब चीनी पूरी पिघल जाती है उसके बाद में हम 1 मिनट तक इसको अच्छी तरह से और गर्म करेंगे, अच्छी तरह से बॉईल होने देते हैं। 1 मिनट तक चीनी पूरी पिघल गई है, अब हम 1 मिनट तक इसको बॉईल होने देते हैं और फिर गैस बंद कर दें। अब हमने इसमें 250 ml पानी और मिला लिया और पानी को एक बार फिर से बॉईल करके और ठंडा कर लिया। इसको हम थोड़ा सा इसको डाइल्यूट कर लिया ताकि शरबत आराम से बन जाए। तो अभी हमारा शरबत नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है और शरबत बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको बॉटल्स में भर लेते हैं। शरबत को भरते समय हमें ये ध्यान रखना है कि शरबत जो है उसको कांच की बोतल में ही भरें हम। नींबू के शरबत को प्लास्टिक की बोतल में बिल्कुल नहीं भरना चाहिए। अब हम दो तरीके से शरबत को बनाएंगे। सबसे पहले खट्टा मीठा नींबू का शरबत। अब मैंने दोनों ग्लासेस में शरबत डाल दिया है।
अगर आप चाहते हैं नींबू का खट्टा मीठा और मसालेदार शरबत, तो वो भी हम रेडी करेंगे। उसके लिए हम मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सा पुदीना पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च पीसी हुई। हिला लेते हैं इसको और ये बन गया आपका खट्टा मीठा मसालेदार नींबू का शरबत। तो एक ही तरह के शरबत से हम दो तरह का टेस्ट ले सकते हैं। अब हम इसको गार्निश करते हैं। तो तैयार है हमारा नींबू का खट्टा मीठा शरबत और नींबू का खट्टा मीठा मसालेदार शरबत। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।